प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपसे द्विघात समीकरण के संबंध में एक नए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने का तात्पर्य ये होता है कि हमें उस समीकरण को हल करके जो वेरिएबल होता है x हमारा, उसकी वैल्यू निकालते हैं, या ये कहिए कि हम उसके मूल निकालते हैं। इस द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियाँ आपको बताई जाती हैं, एक गुणनखंड के द्वारा और एक श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा। आज हम इसका उल्टा प्रश्न ले रहे हैं एक प्रकार से। वहाँ पर हमारे लिए समीकरण दिया हुआ था, मूल ज्ञात करने थे। आज इसका उल्टा प्रश्न हो गया कि हमारे लिए मूल दिए हुए हैं और हमें समीकरण बनाना है, ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिए गए मूल हों। तो देखिए, आज का प्रश्न हमारा बनता है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 8 और माइनस 5 हैं। अर्थात हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसका एक मूल 8 हो और एक मूल माइनस 5 हो। तो देखिए, इस समीकरण को, इस प्रश्न को हल करने के लिए, जैसा कि आपको हमने बताया था, सबसे पहले सारे डेटा लिख लेते हैं जो प्रश्न में देते हैं। तो देखिए, हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। दिया है एक मूल बराबर 8, दूसरा मूल बराबर माइनस 8। अब जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें हम एक तो निकालते हैं मूलों का जोड़ और एक निकालते हैं मूलों की गुणा। जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं सम, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं मूलों का योग और संक्षेप में लिख देते हैं एस। और गुणा को कहते हैं हम इंग्लिश में प्रोडक्ट, तो उसका पहला अक्षर ले लिया पी, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम मूलों की गुणा अर्थात पी। तो देखिए, हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने निकाला मूलों का योग एस बराबर 8 प्लस माइनस 5। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये निशान अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये प्लस के 8 हैं और ये माइनस के 5 हैं, तो ये आपके प्लस के 3 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मूलों का योग प्लस का 3 आ गया। अब मूलों की गुणा निकालेंगे, तो मूलों की गुणा इसको लिख दिया हमने पी बराबर 8 गुणा माइनस 5। तो देखिए, यहाँ पर प्लस माना जाएगा आपका, और इस प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन या गुणा आ जाएगी माइनस, और इस 8 और इस 5 की गुणा आ जाएगी 40। तो इस प्रकार से मूलों का गुणनफल प्राप्त हो गया माइनस 40। अब समीकरण प्राप्त करने के लिए लिखेंगे हम अब अभीष्ट समीकरण। अभीष्ट माने जो हमें उत्तर में लाना है, जो हमें आंसर में लाना है। तो उसको दो प्रकार से लिख लेते हैं, एक तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ इंटू एक्स प्लस मूलों की गुणा बराबर 0। कुछ लोग संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस माने मूलों का योग ही है, तो इसलिए यहाँ पर आप चाहे मूलों का योग लिख दीजिए या एस लिख दीजिए, इंटू एक्स प्लस ये आपका आ गया, और मूलों की गुणा को हम पी बोलते हैं, इसलिए पी यहाँ पर आ गया। तो चाहे आप सूत्र को इस प्रकार से लिखिए चाहे इस प्रकार से लिखिए, दोनों का अर्थ एक ही है। अब आप एस का और पी का, यह मूलों का योग और मूलों के गुणा का मान जो आप निकाल चुके हैं वो यथा स्थान लगा दीजिए। मूलों के जोड़ की जगह मूलों का जोड़ लगा दीजिए, मूलों की गुणा की जगह मूलों की गुणा लगा दीजिए, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके लिए वो समीकरण प्राप्त हो जाएगा जिसके मूल दिए गए मूल होंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर आपका ये आ गया, माइनस आपका सूत्र का ये आ गया, और एस या मूलों का योग का मान आपका प्लस का 3 था, वो आपका ये आ गया प्लस का 3, और x आपका फार्मूले का आ गया प्लस आपका ये सूत्र का चला रहा है आपका, और p का मान है माइनस 40। तो इस p का मान लगा दिया हमने माइनस 40, मतलब मूलों की गुणा का मान लगा दिया हमने माइनस 40, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये माइनस और प्लस इनका मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण हल हो गया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। अब यदि इस समीकरण को हम हल करेंगे, इस समीकरण के मूल निकालेंगे, तो इस समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे, एक मूल हमारा 8 होगा और दूसरा मूल हमारा माइनस 5 होगा। इस प्रकार से यदि आपको समीकरण के मूल दिए हुए हैं और समीकरण ज्ञात करवाया है तो आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। केवल आपको दो काम करने हैं, नंबर एक, पहले उस समीकरण के मूलों का जोड़ निकाल लीजिए, और फिर उन दोनों समीकरणों के मूलों उन दोनों मूलों की गुणा निकाल लीजिए, और फिर इस सूत्र के अंदर या इस सूत्र के अंदर एस का और पी का या मूलों के जोड़ और गुणा का मान लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको ध्यान ये रखना है,
जो गणितीय नियम हैं, जो नियम है गणित के, वो नियम कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। सारा का सारी क्रिया जो है आप नियमों के अनुसार ही करेंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। यदि आपने नियम कहीं गलत लगा दिए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको नियमों की भली बात जानकारी होना चाहिए। यदा कदा आपको हम नियमों की जानकारी देते रहते हैं, आप इस प्रकार के प्रश्न आपकी अभ्यास पुस्तिका में, आपके पुस्तक में अनेकों प्रश्न दिए हुए हैं, आप उनको हल कीजिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।